Hello everyone, myself Rohan, I am from IPHI. Today we are going to learn how to take BP manually. So basically, manual BP लेने के लिए आपको कुछ equipments की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक equipment है आपका stethoscope. इस stethoscope के जरिए ही आपको वो palpation का sound, जो pulse का sound सुनाई दे रहा है, वो इसी stethoscope के earpiece के थ्रू आपको सुनाई देगा, जिसको आपको ear में लगाकर आपको सुनना होगा, जो भी हम practical में देखेंगे. दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी इस कफ की. ये बीपी कफ पेशेंट के हाथ पे टाई किया जाएगा, उसके मोराम पे टाई किया जाएगा, बाइसेप की मसल पर, ताकि ब्रेकियल आर्टरी, जो कि आपकी मेजर आर्टरी में से एक है, उस आर्टरी को सुन सके हो. क्योंकि उसी आर्टरी के सुनने के बाद आप गेस कर पाओगे, आप सुन पाओगे कि पेशेंट का बीपी का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना चल रहा है. बीपी लेते वक्त आपको ध्यान देने वाली कुछ जो चीजें हैं, आपको ध्यान देना है कि पेशेंट का आपको सही पहचान होना. जैसे कि आप किसी पेशेंट का, जब का आप पेशेंट का बीपी लेने जा रहे हैं, तो राइट पेशेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ऐसा ना हो जिस पेशेंट का बीपी नहीं लेना है, आप उस पेशेंट के पास पहुंच गए. तो सही पेशेंट की पहचान होना आपको बहुत जरूरी है. दूसरा, आपको पेशेंट के पास आप जाओगे तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि आप करने क्या आए हैं, आप प्रोसीजर क्या करने वाले हैं. पेशेंट को नहीं पता है कि आप बीपी लेने आए हैं, तो कभी कभार पेशेंट को आपको समझाना होगा कि आप बीपी लेने आए हैं, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके. दूसरा, आपको बीपी लेते वक्त ध्यान देना है कि पेशेंट का आप उसी हाथ से बीपी लें जिस हाथ में या तो कोई चोट ना हो उस जगह पे, क्योंकि जहां आप बीपी कम टाई करने वाले हैं, अगर वहां पे कोई घाव है तो आप वहां से बीपी नहीं लेंगे. अगर उस हाथ पे किसी के कैनुला लगा हुआ है, किसी के फ्लूइड जा रहा है उस रास्ते से, तो भी आप बीपी नहीं लेंगे. तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को दूर करते हुए, अगर आपके पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और नॉर्मल आप किसी पेशेंट का बीपी लेने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले पेशेंट के पास जाएंगे. पेशेंट के पास जाने के बाद आप उसको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम और देन या गुड मॉर्निंग सर. उसके बाद आप पेशेंट को बताएंगे कि आप किस लिए आए हैं. बताने के बाद आप पेशेंट के हाथ को बाहर निकलवाएंगे. बाहर निकलवाने के बाद आपके पास जो बीपी कफ था, इस बीपी कफ को पेशेंट के हाथ पे टाई करेंगे. बीपी कफ को टाई करते वक्त आपको ध्यान देना है कि ये जो बीपी कफ है, ये आपके जॉइंट, जो एल्बो का जॉइंट है, उससे थ्री फिंगर ऊपर टाइट हो. अब ऊपर टाई करने का मकसद हमारा ये है ताकि आपका जो ड्रम पीस है स्टेथोस्कोप का, उसका स्पेस बन सके. एटलीस्ट थ्री फिंगर होना चाहिए. और जो ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस बिल्कुल एल्बो के आपके पेशेंट के जॉइंट पर आनी चाहिए. देन आपके पास बचा ये मीटर गेज, जो मीटर गेज आपको बताएगा प्रेशर बढ़ाने के बाद कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना चल रहा है. मैं आपको पहले बता दूं, एक नॉर्मल बीपी होता है 120/80, सिस्टोलिक इसमें 120 है और डायस्टोलिक 80. तो इस मीटर गेज को मैं पेशेंट के जहां हमने बीपी कफ टाई किया है उसी जगह टाई कर दूंगा. टाई करने के बाद आप पेशेंट को भी हेल्प ले सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये आप होल्ड करिए अगर पेशेंट उस अवस्था में है. दूसरा, आपके पास ये जो बल्ब है जिससे आप इन्फ्लेट करेंगे एयर को, इन्फ्लेट करने के साथ इस बल्ब के साथ एक यहां पर प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व है. इस प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व को आप अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि कोई एयर लीकेज ना हो. एयर लीकेज नहीं होगी ताकि आप बल्ब को जब एयर प्रेशर देंगे तो यहां से ये कफ टाई होगा. दूसरा, आपके मीटर गेज पे जो ये सुई दी गई है, ये सुई ऊपर जाने लगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कफ जो है इन्फ्लेट हो रहा है और प्रेशर बन रहा है. ज्यादा प्रेशर आपको इन्फ्लेट नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा. ठीक है, देखकर पेशेंट की कंडीशन देख के आपको ये अपने कफ को टाइट करना है, इन्फ्लेट करना है. इन्फ्लेट करने के बाद धीरे धीरे आपको ये प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व को ओपन करना है. बस इससे पहले आपको स्टेथोस्कोप के ईयर पीस अपने ईयर में लगाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका स्टेथोस्कोप ऑन है या नहीं है. आप इसको ऑन ऑफ इस ढंग से यहां से ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, जहां आपको साउंड ज्यादा से सुनाई दे वहां ये ऑन है. ठीक है, ये चेक करने के बाद ये ड्रम पीस को आप ब्रेकल आर्टरी जो होती है वहां पर, उस जगह आप प्लेस करेंगे एल्बो के बिल्कुल जॉइंट पर, जॉइंट पे लगा सकते हैं, नीचे जो हमने जगह छोड़ी थी उस जगह पर. और जो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व है, इसको धीरे धीरे हम रिलीज कर लेंगे. जैसे जैसे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व धीरे धीरे रिलीज होगी, यहाँ पे जो मीटर गेज पे सुई है वो नीचे जाने लगेगी. जैसे जैसे आपको वो सुई नीचे जाएगी, आपको एक पॉइंट पे आकर एक साउंड सुनाई देगा पल्स का. वो पल्स का साउंड जहां से सुनाई देगा,
वो साउंड होगा आपका सिस्टोलिक, वो प्रेशर होगा आपका सिस्टोलिक बीपी का, ठीक है, और जहां वो बंद हो जाएगा वो होगा डायस्टोलिक। तो अभी हम बीपी लेके देखते हैं, तो अभी जो मैंने बीपी लिया ये एकदम एग्जैक्ट आया है 120/80। अगर आपका बीपी लेते वक्त पेशेंट को अगर आप एक बार ही आपने सुना नहीं सुनाई दिया पल्स का साउंड, तो आप फिर से देन प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व को वापस टाई करोगे और इन्फ्लेट करना शुरू करोगे। इन्फ्लेट करने के बाद आपका कफ टाई होना दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर से आप ड्रम डिस्क को उसी जगह पे रखेंगे और फिर से वो साउंड सुनने की कोशिश करेंगे। देन अगर आपको सही एग्जैक्ट बीपी मिल जाता है, सही सुनाई दे रहा है, देन आप क्या करोगे, आप जो बीपी आया है वो पेशेंट को बताएंगे और अपने पास नोट कर लेंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर है आपका बीपी का मैनुअल तरीके का लेने का। अगर आपके पास कोई मैनुअल बीपी की मशीन है जिसके थ्रू आप बीपी ले सकते हैं अपने घर में, इंस्टीट्यूट में, या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की या पैरामेडिकल स्टाफ की, वो ये काम सीख सकते हैं, क्योंकि वाइटल लेना आजकल सबको आना बहुत जरूरी है और हम सबके लिए ये उतना जरूरी है। आई होप कि आप सभी को बीपी लेने में अब कोई आगे परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।